छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को दुर्ग नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 25 से 29 जुलाई तक प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहने के साथ ही अपनी मांग को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को ज्ञापन सौंपा और सूचना दी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कलम रख मशाल उठा आंदोलन के तृतीय चरण में 25 से 29 जुलाई 2022 तक स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक रूप से निकाय के समस्त कर्मचारी अधिकारी आवश्यक सेवा को छोड़कर अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र के बराबर राज्य शासन और नगरीय निकाय को भी जो महंगाई भत्ता दिया जाना है उसके बराबर, जैसे उनका भी 34% है महंगाई भत्ता, हमारा अभी 22% है। इनके द्वारा विधायक और आपके मंत्री हर किसी को जो है, अभी बीच में आप पढ़े होंगे पेंशन का है, इनको जो है बढ़ा दिया गया इनका अपना वहाँ एक मीटिंग करके, लेकिन कर्मचारियों के प्रति किसी प्रकार का ध्यान इस सरकार का नहीं जा रहा है। और 25 से 29 जुलाई तक अभी काम बंद कलम बंद हड़ताल है, जिसमें आवश्यक सेवा को छोड़ के रखा गया है, सफाई बिजली को अभी नहीं, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जब इसके बाद फेडरेशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो उसमें आवश्यक सेवा को भी ठप किया जाएगा। और एक्चुअल में क्या है कि हमारा 1-1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, महंगाई भत्ता और डीए और सातवां वेतनमान का जो गृह भाड़ा भत्ता उसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले ये तृतीय चरण का आंदोलन है, जिसमें हम 25 से 29 तक सामूहिक अवकाश लेकर समर्थन करेंगे। अभी आवश्यक सेवा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। चौथे चरण में अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जाती है तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा और अनिश्चितकालीन बंद भी कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।